दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस सदाबहार अभिनेत्री की जिन्होंने सिनेमा घरों में आते ही तहलका मचा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कल्पना कार्तिक की, जिन्होंने बॉलीवुड को एक नहीं, दो नहीं बल्कि 6 हिट फिल्में देकर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। भले ही कल्पना कार्तिक ने बॉलीवुड की बेहद कम फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया उतनी ही फिल्में दर्शकों के बीच कभी ना मिटने वाली पहचान बना चुकी हैं। फिर आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कल्पना कार्तिक के आज के हालात के बारे में बताने वाले हैं, जहां आप जानेंगे कि वे इन दिनों कहां हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। मशहूर अभिनेत्री कल्पना कार्तिक का जन्म लाहौर में पंजाबी ईसाई परिवार में हुआ था। उनका असली नाम मोना सिंघा है। कल्पना कार्तिक ने सेंट बेड्स कॉलेज शिमला से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। जब कल्पना कार्तिक ने मिस शिमला का कॉन्टेस्ट जीता, तब देवानंद के सबसे बड़े भाई चेतन आनंद की नज़र कल्पना कार्तिक पर पड़ी। वो मुंबई में फिल्में बनाया करते थे। उस दौरान उनके साथ उनकी वाइफ उमा आनंद भी थी। उमा आनंद ने ही सभी को समझाया कि कल्पना कार्तिक को फिल्मों में हीरोइन बनने का मौका देना चाहिए, जिसके बाद कल्पना मुंबई आ गईं और फिर उन्हें साल 1951 में फिल्मबाजी में काम करने का मौका मिला, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। इसके बाद उन्होंने टैक्सी ड्राइवर फिल्म में काम किया। ये नवकेतन की पहली सुपर सक्सेस थी। और आप शायद ही जानते होंगे कि कल्पना कार्तिक एक एसोसिएट प्रोड्यूसर भी थी। उन्होंने तेरे घर के सामने, जूल थीफ, प्रेम पुजारी, शरीफ बदमाश, हीरा पन्ना और जानेमन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों के एक सहयोगी निर्माता के रूप में काम किया था। इन फिल्मों में देव आनंद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें कि फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर कल्पना कार्तिक ने लंच ब्रेक के दौरान देव आनंद से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी और वो 1956 में तब माता पिता बने जब सुनील आनंद का जन्म उनके घर पर हुआ। बता दें, सुनील ने भी फिल्मों में काम किया है। कल्पना कार्तिक की एक बेटी भी है जिसका नाम देविना है। बात करें कल्पना कार्तिक के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने 90 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, जिसके बाद उनके चेहरे पर बढ़ती उम्र साफ तौर पर देखी जा सकती है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बताते चलें कि फिल्म 9-2-11 के बाद कल्पना ने होम मेकर बनने के बाद फिल्में छोड़ दी। अपनी शादी के बाद उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहना पसंद किया और तब से आज तक वो सोशल मीडिया से दूर हैं और अपनी फैमिली के साथ पंजाब में खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, आपको अभिनेत्री कल्पना कार्तिक के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।